इतने डिफरेंट टाइप के पाउडर्स आते हैं कि पता ही नहीं चलता कौन सा पाउडर हमने बाय करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज क्लास 7 में आप सबका बहुत बहुत ज्यादा वेलकम। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे पाउडर्स कैसे सेलेक्ट करें अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग, किस तरह के पाउडर्स होते हैं, मार्केट में किस तरह के पाउडर अवेलेबल हैं और आपको कौन सा बाय करना चाहिए, कौन सा बाय नहीं करना चाहिए और इन सारे टाइप्स के क्या मतलब हैं, क्या यूज़ हैं, सब कुछ बताऊंगी आज की वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। का जवाब मैं दे दूं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्ल्स पूछती हैं कि कोर्स कैसे ज्वाइन करना है। देखिए, कोर्स को ज्वाइन करने का यही तरीका है सिंपल कि आपने यूट्यूब पर मेरी वीडियोज़ देखनी है, ठीक है। जो भी हमने कोर्स की डाली हुई है वो सारी देखनी है, सीखनी है, उसके नोट्स बनाने हैं। जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा तब आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मेरे मैसेज करना है, अपना जीमेल आईडी और अपना नाम जो आप अपने सर्टिफिकेट पे चाहते हो, तो आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कोर्स के एंड पे जीमेल भेजना, अब भी जीमेल आईडी मत भेजना प्लीज। सवाल जो आपके मेरे सबके दिमाग में आता है, व्हाई डू वी यूज पाउडर्स, पाउडर्स का यूज क्या है मेकअप में आखिर, अगर हम पाउडर्स यूज ही ना करें तो क्या होगा, कुछ मसला होगा? तो जनाब, पाउडर्स जो है ना वो हमारे मेकअप में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि हम पाउडर्स का जो मेन मकसद है वो क्या है। अब यहाँ पे मैंने वजूहात लिखी हैं। सबसे पहले तो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करता है। अगर आप पाउडर यूज़ नहीं करेंगे, सिंपली बेस लगा देंगे, बेस उड़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है वाटर प्रूफ, स्वेट प्रूफ आपके बेस को बनाता है। शाइन कंट्रोल या फिर ऑयल कंट्रोल, जो आपके फेस पे शाइन आती है ऑयल की वजह से, उसको कंट्रोल करता है। और दूसरा, ब्लर करता है आपके फाइन लाइन्स और पोर्स को। आपने अक्सर देखा होगा हम जैसे ही पाउडर लगाते हैं तो हमारी स्किन पे जो है ना सारी चीज़ें छुप जाती हैं बिल्कुल, तो ब्लर हो जाती हैं पाउडर की वजह से, ठीक है। तो पाउडर्स को भी यूज़ करने का तरीका है, इनको भी जानना है हमने, ना कि ये कि कोई भी पाउडर अंधा धुंध हमने लगा लिया, ठीक है। सारी बहनें कहती हैं कि हमें नोट्स की पिक्चर भेजें, तो हम जो है ना अपने इंस्टाग्राम आईडी पे ये वाले नोट्स पोस्ट करेंगे, तो आप इंस्टाग्राम आईडी से ले लीजिएगा और मेक श्योर कि आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दीजिएगा, तो ईजिली आपको नोट्स मिल जाएंगी और आपको इतनी जूम जूम करके वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी और आप ईजी ले लेंगे। अच्छा, तो हमें पाउडर्स के कितने टाइप मिलते हैं और हमें कौन से टाइप वाला पाउडर रखना चाहिए और कौन सा नहीं रखना चाहिए, तो वो है कि हमें मार्केट में चार तरह के पाउडर्स मिलते हैं, ठीक है, चार तरह के पाउडर्स, सही है। सबसे पहला जो आता है वो लूज़ पाउडर आता है, लूज़ पाउडर के बाद कॉम्पैक्ट पाउडर, उसके बाद एचडी पाउडर या फिर फिनिशिंग पाउडर आता है, ठीक है। अब लूज़ पाउडर के अंदर भी जो है ना वो टाइप्स होते हैं, लूज़ पाउडर के अंदर भी पाउडर के टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब ये लूज़ पाउडर होता है ना वो खुले फॉर्म खुला पाउडर होता है, ठीक है, इसलिए उसको लूज़ पाउडर कहा जाता है। अब इसके अंदर ट्रांसलूसेंट पाउडर, बनाना पाउडर और स्किन टोन पाउडर के नाम से पाउडर्स आते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अक्सर सुना होगा लूज़ पाउडर के बाद लोग कहते हैं सेटिंग पाउडर, ठीक है, सेटिंग पाउडर भी इसी को ही कहते हैं। तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है, लूज़ पाउडर आल्सो नोन एज सेटिंग पाउडर, ठीक है। ये जो पाउडर्स का काम होता है ना वो आपके बेस को सेट करना होता है, ठीक है, जगह पे उनको वहीं रोकना होता है। तो कंफ्यूज ये नहीं करना कि ये सेटिंग पाउडर लूज़ पाउडर क्या है। पहले जो बारी है वो होती है ट्रांसलूसेंट पाउडर की, ठीक है। ट्रांसलूसेंट पाउडर के बाद आता है जी बनाना पाउडर। ट्रांसलूसेंट पाउडर जो होता है ना उसका कोई कलर नहीं होता, वो वाइट होता है, ठीक है। अब ये किस स्किन पे यूज़ होगा वो सब मैं आगे चल के बताऊंगी, लेकिन ये जो है ना कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, मतलब आप कह नहीं सकते किस कलर का, ठीक है। उसके बाद आता है जी बनाना पाउडर। बनाना पाउडर येलो कलर का होता है, लाइक बनाना, जैसे बनाना के नाम से ही जाहिर है कि ये बनाना जैसा होगा, सही है। इसका भी मैं आगे चल के बताती हूँ कि किस स्किन पर यूज़ होगा। उसके बाद आता है जी स्किन टोन। अब ये स्किन टोन क्या है आखिर? स्किन टोन जो लूज़ पाउडर आम हमें मार्केट में मिलते हैं हमारे स्किन के, लाइक अगर हम फेयर हैं तो फेयर आइवरी वगैरह जो शेड हम लेते हैं, तो उस तरह से हमें ये अवेलेबल होते हैं। उसके बाद बारी आती है कॉम्पैक्ट पाउडर की, जिसको हम उमूमन फेस पाउडर भी कहते हैं। और आपने एक बार एक लफ्ज़ दूसरा भी सुना होगा, प्रेस पाउडर, ये प्रेस्ड पाउडर क्या है? तो प्रेस्ड पाउडर भी कॉम्पैक्ट पाउडर को ही कहा जाता है, फेस पाउडर को ही कहा जाता है। अब इसको प्रेस्ड क्यों कहा जाता है कि हम इसको इस तरह से प्रेस करके अपने फेस पे लगाते हैं, इस वजह से इसको प्रेस्ड पाउडर कहा जाता है, कॉम्पैक्ट पाउडर कहा जाता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसके बाद बारी है जी एच डी पाउडर की। अब ये एच डी पाउडर क्या भला है?
HD पाउडर बिल्कुल कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। और ये उमूमन जो मॉडल मेकअप होते हैं ना, बहुत ही हाई डेफिनेशन वाले, उसमें यूज़ किया जाता है। लाइक टेलकम पाउडर जो होता है, टेलकम पाउडर वाइट कलर का होता है ना, ये वो वाला वाइट होगा, ठीक है। अब ये HD पाउडर और फिनिशिंग पाउडर सिमिलियर ही हैं, दोनों का कलर सेम होते हैं, बिल्कुल फाइन इनके पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल फाइन पाउडर होता है, ठीक है। फेस पे लगते ही अच्छे से सेट हो जाते हैं। मतलब ये जो है ना, मतलब ये हम नहीं कह सकते किस स्किन टोन पे यूज़ होगा, ठीक है, ये हर पे ही सूट कर सकता है। सारी हमारी चार्ट थी, ये नोट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, आप वहाँ जाके फॉलो कर लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी। अच्छा, अब चलिए बात करते हैं इनको डिटेल में। अब ये जो फिनिशिंग पाउडर्स हैं ना, फिनिशिंग पाउडर्स ये वाइट कलर के होते हैं, टेलकम पाउडर की तरह। मैं आगे चल के दिखाती हूँ किस तरह के होते हैं, ठीक है। ये ऑल स्किन टोन्स पे, ऑल स्किन टाइप्स पे यूज़ हो सकता है, लेकिन बेटर है कि इनको यूज़ किया जाए कूल एंड न्यूट्रल पे। कूल एंड न्यूट्रल का आपको पता है ना कि क्या है अंडरटोन, तो पिंक या फिर पिंक एंड येलो अंडरटोन हो, क्योंकि अगर एक बहुत ही वार्म अंडरटोन होगा उस पर हम लगाएंगे तो सूट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ऑल स्किन टोन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी ट्रांसलूसेंट, ये भी ऑल स्किन टोन पे यूज़ किया जा सकता है, लेकिन बेटर है कि कूल या फिर न्यूट्रल अंडरटोन को यूज़ करें, ठीक है। मैं अपने आप पे लिख देती हूँ कि ये कौन सी स्किन जो है पे ये यूज़ होगा। अगर आपकी स्किन मीडियम फेयर है, नॉर्मल फेयर हो आप, और एक लाइट कलर है यानी बहुत सफ़ेद हो, तो ट्रांसलूसेंट पाउडर आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है जी बनाना, ये बनाना येलो कलर का होता है, ठीक है, बनाना पाउडर येलो कलर का होता है, इसमें येलो टिंट भी आता है, वो क्रायलोन का येलो आता है ना लूज पाउडर, उन्होंने उसको ट्रांसलूसेंट का नाम दिया हुआ, लेकिन वो एक्चुअली बनाना पाउडर है, येलो कलर का होता है वो, बिल्कुल ठीक है। वो किस पे यूज़ होगा, जिनका कलर मीडियम है यानी कि ज़्यादा फेयर नहीं है, और जो थोड़े डीप डार्क कलर के हैं उन पे बनाना सूट करेगा, मीडियम से लेके डार्क स्किन टोन तक यूज़ होगा। उसके बाद ये जो स्किन टोन है, ये बड़ी सेफेस्ट गेम है, अपने स्किन टोन का कोई भी लूज पाउडर आप यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं, ना बनाना ना ट्रांसलूसेंट, काम इन सब का एक जैसा है, मेकअप को सेट करने का, ठीक है। ये नहीं है कि आप ट्रांसलूसेंट यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा और अच्छा हो, नहीं, जो भी आप यूज़ करेंगे मेकअप को सेट ही करेगा, ठीक है, सबका काम एक ही है। बात कर लेते हैं फिनिशिंग पाउडर की, क्या फिनिशिंग पाउडर, क्या फिनिशिंग पाउडर जो है ना एंड पे यूज़ किया जाता है मेकअप के, बिल्कुल एंड पे, ठीक है, ताकि आपका मेकअप थोड़ा और पॉपअप लगे। अगर आप फिनिशिंग पाउडर नहीं लेना चाहते तो बिल्कुल मत लेना, ठीक है, बस ये एंड पे यूज़ किया जाता है मेकअप के, बिल्कुल एंड पे, कि आपने हल्का फुल्का टैप कर दिया फेस पे तो ये फिनिश्ड लुक देता है मज़ीद। उन पे ना लिखा हुआ होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, फिनिशिंग पाउडर, HD पाउडर, तो कंफ्यूज नहीं होना कि हमें कहाँ से बाय करना है, ठीक है। कुछ ब्रांड्स हैं जिनके मैं नाम लिख रही हूँ, क्रिस्टाइन पाकिस्तान का एक ब्रांड है, उनके बहुत अच्छे लूज पाउडर्स होते हैं, ठीक है, येलो कलर में भी मिल जाते हैं और आपके स्किन टोन के हिसाब से भी मिल जाते हैं। अच्छा, कहीं किसी लूज पाउडर के ऊपर सेटिंग पाउडर लिखा हुआ तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, वो भी लूज पाउडर ही होगा। अगर HD पाउडर लिखा हुआ है तो वो भी सेटिंग पाउडर ही होगा। ये सिर्फ टाइप्स है लेकिन काम सबका एक ही है। उसके बाद ये मैंने शुगर और के ब्यूटी लिखा है, ये जो है इंडियंस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पे ये अवेलेबल होता है। मैं ज़्यादातर पाकिस्तान का लिखती हूँ तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मेबिलिन भी इंडिया में अवेलेबल है, ठीक है, बाकी मैक भी अवेलेबल है। ये जो ग्लैम गर्ल लिखा हुआ है ये पाकिस्तानी ब्रांड है, ठीक है, आपको ईजिली इनके ट्रांसलूसेंट, HD पाउडर सब मिल जाएंगे। चलिए अब पाउडर्स को मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के होते हैं और कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना प्रेस्ड पाउडर है, ये उमूमन सबके पास होगा, ठीक है, आम तौर पर ये यूज़ किया जाता है, इसको फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर, प्रेस्ड पाउडर कहा जाता है। अब ये ऑयल कंट्रोल है नहीं है ये इनके ऊपर लिखा हुआ होगा, ठीक है, कि ऑयल कंट्रोल है। ऑयल कंट्रोल होंगे तो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। अगर आम फेस पाउडर है तो ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑयल अगर ड्राई स्किन वाले ऑयल कंट्रोल पर लगाएंगे तो क्या फ़ायदा। कॉम्पैक्ट पाउडर क्या होता है कि उसके अंदर ना कवरेज होती है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं ना कि आप बेस लगाएं, बेस के बाद एक ओवर कवरेज आए यानी थोड़ा सा, तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करेंगे। लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर में यही फ़र्क है कि कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है ना वो आपके फेस को कवरेज देता है, यानी ये एक छोटा मोटा फाउंडेशन ही है, समझ लें। बहुत सारी गर्ल्स जो है ना सिर्फ फेस पाउडर लगाती हैं और ब्लश लगा के मेकअप कर लेते हो तो डन हो जाता है उनका फेस, तो उसके अंदर कवरेज होती है, आपके फेस को कवरेज देता है। कभी कभी हम नॉर्मल कवरेज वाला फाउंडेशन लगाते हैं और लूज़
पाउडर उसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हैं तो एकदम से फेस जो है ना वो ब्राइट हो जाता है और बेस ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कवरेज वाला लगा दिया। तो बेस के ऊपर जो कवरेज का काम करता है ना वो कॉम्पैक्ट पाउडर करता है, ठीक है, और मेकअप को सेट भी करता है। अक्सर आपने देखा होगा लड़कियाँ ना वो कंसीलर लगाती हैं, बेकिंग करती हैं, अंडर आइज के नीचे जो है कंसीलर लगाती हैं तो लूज़ पाउडर लगाती हैं, क्यों? क्योंकि उसकी कवरेज नहीं होती, वो सिर्फ सेट का काम करता है। लेकिन अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर लगा देंगे कंसीलर वगैरह लगाने के बाद तो वो ओवर केकी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कवरेज चाहिए तो फिर आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करेंगे। कॉम्पैक्ट पाउडर भी आप अपने पास लाजमी रखिए, ठीक है। ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर के अंदर पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैंने समझाया था ना कि पिगमेंट कलर सब समझाया था ना, तो ये वही बात है कि पिगमेंट इसके अंदर ज़्यादा होता है। इनके ऊपर ही लिखा हुआ होगा कि ये ऑयल कंट्रोल हैं नहीं हैं किस तरह के हैं, तो आपने ये नहीं सोचना कि हम कहाँ से लें। मेरे पास ये सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, क्रिस्टाइन है, ग्लैमरस फेस है, दूसरा नेकेड ब्यूटी है, ओके। दूसरी बात के क्या ड्राई स्किन वाले कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वान्टिटी कम कर दें, थोड़ा लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं, ओके। अगर ऑयली स्किन वाले लगाएंगे थोड़ा भर भर के लगाएं ताकि ऑयल कंट्रोल हो जाए। लेकिन फिर वही बात है, अगर कवरेज चाहिए ज़्यादा तो कॉम्पैक्ट पाउडर, अगर कवरेज कम चाहिए तो बनाना पाउडर की। बनाना पाउडर ये मेरे पास ये है, ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन बनाना पाउडर येलो कलर का होता है, येलो, ठीक है, बनाना की तरह, जैसे मैंने बताया था आपको, वार्म अंडरटोन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्किन मीडियम है या डार्क है, डीप है, तो आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। बनाना पाउडर में ना एक कवरेज होता है, ये जो बेकिंग होती है ना मेकअप में बेकिंग, वो कैसे होती है वो मैं बताऊँगी, लेकिन कवरेज देने के लिए भी बनाना पाउडर यूज़ किया जाता है, ठीक है। उस तरह का येलो पाउडर होता है, यही डिफरेंट होता है ट्रांसलूसेंट और बनाना पाउडर में, कि बनाना पाउडर आपके अन ईवन जो एरियाज होते हैं ना उनको कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखा होगा अक्सर बहुत सारी लड़कियां जो है ना बेकिंग करती हैं, यानी कंसीलर लगाएंगे फिर लूज़ पाउडर लगाएंगे, तो उसके ऊपर हम बनाना पाउडर लगाएंगे तो वो हमें कवरेज देगा। अगर हम उसके ऊपर ट्रांसलूसेंट लगा देंगे पाउडर तो वो कवर नहीं करेगा, जबकि बनाना पाउडर उसको कवर कर जाएगा। बनाना पाउडर आपके ब्राइटनिंग के लिए फेस के यूज़ किया जाता है और मेकअप को सेट भी करता है, ठीक है। और ये आपको बहुत ज़्यादा ब्रांड्स में मिल जाता है, क्रैलोन में भी इवन येलो कलर का आपको जो है वो मिल जाता है पाउडर। अब बारी है जी ट्रांसलूसेंट पाउडर की। ट्रांसलूसेंट पाउडर आपको इस तरह के कलर्स में मिलता है, यानी कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता उसका, ठीक है। बिल्कुल एक वाइट कलर का भी पाउडर आता है, उसको भी ट्रांसलूसेंट पाउडर कहते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, वो प्रोडक्ट्स पे लिखा हुआ होता है, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं। लूसेंट पाउडर आपके फेस को जो है ना फिनिशिंग देता है, मेकअप को सेट करता है, ऑयल को भी कंट्रोल करता है, जबकि जो बनाना पाउडर होता है वो अन ईवन एरियाज पे लगा जाता है, जैसे कि लाइंस आ जाती हैं, क्रीसिंग हो जाती है मेकअप में, तो उसके लिए भी बनाना पाउडर यूज़ किया जाता है। तो ट्रांसलूसेंट पाउडर और बनाना में यही फ़र्क है कि बनाना पाउडर आप ब्राइटनिंग के लिए यूज़ करेंगे, जबकि ट्रांसलूसेंट पाउडर आप मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ करेंगे। आप ज़्यादा उससे ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके फाउंडेशन में कोई कवरेज दे। तो अगेन वही बात है कि इट डिपेंड्स कि आप कौन सा पाउडर बाय करना चाहते हो, इट्स अप टू यू टोटली कि आपने कौन सा पाउडर बाय करना है। सारे पाउडर्स का काम आपके मेकअप को सेट करना ही है, ठीक है, ट्रांसलूसेंट पाउडर का भी, लूज पाउडर का भी, कॉम्पैक्ट पाउडर का भी, तो आप अपने बजट के हिसाब से कोई सा भी ले लो। इसके बाद जी बात करते हैं HD पाउडर की, जो कि कलरलेस होता है। मेरे पास एक ग्लैम गर्ल का एक पाकिस्तानी ब्रांड है, ठीक है, ये यूज़ किया जाता है आपके मेकअप को सेट करने के लिए। ज़्यादातर जो HD मॉडलिंग वाले जो मेकअप होते हैं ना, मॉडल लुक होते हैं, उसमें ये वाले पाउडर्स यूज़ किए जाते हैं। ये भी आपके मेकअप को सेट करता है, इनविजिबल सी इसकी लुक आती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक वाइट कास्ट छोड़ता है जब आप मेकअप करते हो ना, एक फ्लैश बैक इसका आता है। तो इसका काम भी वही है, मेकअप को सेट करना, ऑयल को कंट्रोल करना, पोर्स को ब्लर करना और फेस पे अच्छी सेटल फिनिश देना। और जो फिनिशिंग पाउडर्स होते हैं ना, वो भी बिल्कुल इसी तरह के ही होते हैं, एंड में बस यूज़ किए जाते हैं, उनका जो कलर और ये सब कुछ इस तरह का ही होता है, सही है। और बहुत सारे लोग जो है ना इस पाउडर को इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि जो कॉन्टोर को एक शार्प लाइन दे सकें। देखा होगा ना, वो कॉन्टोर को शार्प लाइन देते हैं, तो इस तरह से HD पाउडर यूज़ किया जाता है। उसके बाद जी जो टाइप है वो है टिंटेड या फिर स्किन टोन के लूज़ पाउडर्स, ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगी भी कि आप यही वाले यूज़ करो, उल्टा इतनी ज़्यादा चीज़ें मत सोचो। और ये उनका भी काम वही है कि आपके फेस को अच्छी कवरेज देते हैं, यानी बेकिंग करने के लिए, बेकिंग करने के लिए भी ये यूज़ किए जाते हैं। ये मैंने यहाँ पे गिरा दिया ताकि आप देख सकें कि किस तरह के होते हैं, आपके स्किन टोन के होते हैं, यानी आप फेयर हैं तो फेयर लेंगी, डार्क हैं तो डार्क लेंगी, मीडियम, आपका स्किन टोन मीडियम है तो आप मीडियम लोगे, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपको कौन से कलर का लूज़ पाउडर चाहिए। मेरे पास ये बी क्यूट का है, ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है, क्रैलोन में भी आता है,
आता है, मेबिलिन में भी आता है, बहुत ज़्यादा हैं जिनमें आता है, फोकुलर में भी आता है, ठीक है। तो ये इस तरह से होते हैं देखने में, जब आप इनको सेट करोगे ना ये सेट हो जाते हैं, जबकि कॉम्पैक्ट पाउडर आपको कवरेज देता है, ये आपके मेकअप को सेट कर देते हैं। बेकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। बेकिंग किसको कहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, बेकिंग का मतलब जो हम कंसीलर लगाते हैं अंडर आइज पे, उसको फिर लूज़ पाउडर के साथ सेट करते हैं ना, तो उसको बेकिंग कहते हैं। तो इसमें आपको डिफरेंट कलर मिलते हैं, अगर आपका स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई है, तो मैं आपको कहूँगा लूज़ पाउडर यूज़ किया करें। लूज़ पाउडर थोड़ा हल्का होता है, कवरेज भी हल्की उसकी होती है, और इतना जो है ना हार्श टाइप का पाउडर नहीं होता। कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत ज़्यादा हेवी होता है, लेकिन फिर भी आपकी कोई भी स्किन टाइप है तो आप कोई सा भी पाउडर यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये पाउडर्स की बात समझ आई होगी। दूसरी बात, आपने कन्फ्यूज़ खुद को बिल्कुल भी नहीं करना, मैंने इतना आसान कर दिया आपके लिए कि आप जो भी पाउडर लो, ठीक है, आपको सूट करेगा। बिल्कुल आपने कंफ्यूज़ खुद को नहीं करना, मैं कौन सा लूँ, जो भी आपका दिल करे आप ले लो, जो आपको लगता है कि मेरे पे ज़्यादा सूट करेगा आप वो बाय कर लो, ठीक है। सारों का काम आपके मेकअप को सेट करना है, आपके मेकअप के को फिनिशिंग देनी है, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। क्योंकि ये थोड़ी देर बाद लूज़ पाउडर सेट हो गया था बिल्कुल, इसकी कवरेज ज़्यादा नहीं थी, जबकि कॉम्पैक्ट पाउडर की कवरेज रहती है। तो आज का सवाल आज के ही वीडियो से कि लूज़ पाउडर के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो आपने इसका जवाब देना है कि लूज़ पाउडर के कितने टाइप्स होते हैं। सो आज के लिए इतना ही था, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।